व्हाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर इज फॉलिंग, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा। पिछले 3 दिन से काफी सारे इन्वेस्टर परेशान हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर इतना ज्यादा गिर क्यों रहा है, क्या हुआ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर के साथ कि आफ्टर डीमर्जिंग और जैसे ही उसकी लिस्टिंग हुई स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके बाद लगातार 3 दिन हो गए शेयर ऑलरेडी लोअर सर्किट 5% का डेली हिट कर रहा है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को इसका आंसर देने वाला हूं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर क्यों गिर रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना ताकि ये वीडियो यूट्यूब और लोगों को भी रेकमेंड कर पाए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर क्यों गिर रहा है। अब इसको बात करते हैं पिछले 1 से 2 महीने पहले, लौटते हैं 1 से 2 महीने पहले और तब बात करते हैं जैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री ने यह अनाउंस किया कि वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को यहां पर डीमर्ज करने वाला है, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक अलग एंटिटी बना दिया जाएगा और वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। तभी से मार्केट में एक बहुत खुशी की लहर चली गई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि उनको यहां पर इसके शेयर्स मिलने वाले थे। और वैसे ही हुआ, जिनके पास यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर था उनको एक शेयर के ऊपर एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर दे दिया गया। अब जिसके पास 100 रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर थे उसको 100 जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर दे दिए गए। बट पॉइंट ये चल रहा था कि मार्केट को अभी समझ ही नहीं आ रहा था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर कितने का आएगा। अनलिस्टेड मार्केट में मैंने ये भी सुना कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 300-350 पर भी ट्रेड हुआ, बट मार्केट में इसका रेट निकल के आया लास्ट वीक अगर मैं बात करूं तो वो निकल के आया कि 260 के आसपास ये शेयर आएगा। और वही हुआ, जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई यानी 21 अगस्त 2023 जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है और लिस्टिंग होती है यहां पर 261 के आसपास। काफी लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि लिस्टिंग जो होगी वो काफी ऊपर होगी, यानी 261 के बाद या तो ऊपर जा सकता है या मतलब बेसिकली एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर रिलायंस जियो जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर वो यहाँ पे देने वाला है। बट यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर 21 अगस्त को ही 5% लोअर सर्किट हिट कर देता है। नेक्स्ट डे ओपन होता है, नेक्स्ट डे यानी 22 अगस्त तब भी 5% यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर हिट कर देता है लोअर सर्किट। और आज मैं वीडियो बना रहा हूं आपके साथ 23 अगस्त को, आज भी मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर क्लोज हुआ है 224.65 पे और 5% का लोअर सर्किट हिट करने के बाद ये शेयर 224.65 पैसे पे रुक गया। अब आते हैं मेरे क्वेश्चन पे, जो आपका भी क्वेश्चन है मेरा भी क्वेश्चन है और सभी का ये क्वेश्चन चल रहा है कि भाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज गिर क्यों रहा है और क्या हमें इस रेट पे बाय कर लेना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए। मैं इस दोनों क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इसलिए गिर रहा है बिकॉज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो पेरेंट कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब बहुत सारे इंडेक्स फंड, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो इंडेक्स का पार्ट है, यहाँ पे सेंसेक्स का भी है निफ्टी का भी है, अब बहुत सारे इंडेक्स फंड सेंसेक्स और निफ्टी को ट्रैक करते हैं, यानी जो स्टॉक सेंसेक्स में होते हैं और जो स्टॉक निफ्टी के अंदर होते हैं बेसिकली उसमें इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड और ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब सभी इंडेक्स फंड के पास यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत हैवी क्वांटिटी पे इन्वेस्टमेंट थी, उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर भी मिल गया बिकॉज डीमर्जर हुआ, ऑब्वियसली बात है वो लोग होल्ड करते थे रिलायंस इंडस्ट्री तो उनको भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर मिलेगा, तो उन सभी को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर भी मिल गया। अब हुआ ऐसा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का उनको शेयर तो मिल गया बट ये यहां पर पता चल गया कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो इंडेक्स में इंक्लूड नहीं हो रही, वो इंडेक्स के बाद यानी 51 नंबर पर आ रही है। अब जैसे ही ये पता चला तो देखिए जो इंडेक्स फंड होते हैं और जो ETFs होते हैं ना वो बेसिकली ट्रैक करते हैं जो इंडेक्स के अंदर स्टॉक होते हैं, जो ETF जो होते हैं वो इंडेक्स को बेसिकली ट्रैक करते हैं, पूरा रेप्लिकेट करते हैं। अब इंडेक्स के अंदर तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं आ रहा, इसीलिए यहां पे जितने भी इंडेक्स फंड थे जितने भी ETF थे इनको हम पैसिव फंड्स कहते हैं, पैसिव फंड्स यहां पर लगातार सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया।
अब वो मजबूर है, वो कोई जान मुझ के यहाँ पर सेलिंग नहीं कर रही, वो लोग मजबूर है बिकॉज वो यहाँ पर इसको होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इंडेक्स फंड या ETF उसका एक रूल होता है कि 50 स्टॉक अगर निफ्टी के अंदर है तो वो 50 में ही इन्वेस्टेड रहेगा, और सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है तो वो 30 स्टॉक्स में ही इन्वेस्टेड रहेगा, वो अपनी मर्जी से कोई स्टॉक बाय या सेल नहीं कर सकता। तो इसीलिए पैसिव फंड्स जितने भी है, इंडेक्स फंड और ETF, वो लगातार यहां पर 3 दिन हो गए हैं आज सेलिंग लगातार चली जा रही है उनकी तरफ से, और बिकॉज ऑफ नो बायर, बायर मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, इसीलिए यहां पर लगातार लोअर सर्किट हिट हो रहा है। तो ये रीजन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का लोअर सर्किट लगने का, नीचे गिरने का, ये रीजन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्या हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर बाय कर लेना चाहिए। देखिए मैं तो अभी आपको बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं देने वाला, गाइड कर देता हूं। बेसिकली मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होल्ड कर रहा हूं बिकॉज आई हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिहाव पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर मिला और मैं उसको अभी होल्ड करूंगा फॉर अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज आई बिलीव कि ये कंपनी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है, बिकॉज ये जिस ग्रुप की कंपनी है उस पर मेरे को बिजनेस पे काफी विश्वास है। तो ये मेरी एक एनालिसिस है, तो मैं उसको होल्ड कर रहा हूं। पॉइंट मेरा ये है कि क्या हमें बाय कर लेना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं गाइडेंस दे देता हूं। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं कहता हूं थोड़ा सा वेट करिए। अगर आपको 170-180 की रेंज मिल जाती है इस शेयर के अंदर, वो एक ज्यादा अच्छी आपके लिए प्राइस होगी बाय करने के लिए, तो थोड़ा सा वेट करिए। मुझे लगता है ऐसा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी थोड़ी सी और सेलिंग आ सकती है, हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, 170-180 ना भी आए, हो सकता है यहां से ये बाउंस बैक कर जाए। तो अगर आप लोग कोई पैसा लगाना चाहते हैं तो मैं उसको कहूंगा सारा पैसा अभी मत लगाना, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहता है। वैसे मैं इस रेट पे बाय नहीं कर रहा, अगर ये 160-170-180 आएगा तब मैं इसको थोड़ी और क्वांटिटी ले सकता हूं, क्योंकि मेरे को वो लगता है कि वो एक रीजनेबल प्राइस है। अभी मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं बिकॉज मुझे लग रहा है कि अभी ये और नीचे जा सकता है, हो सकता है ये ना जाए। तो ये सिंपल सा बात है, ये आपका डिसीजन है कि आपको बाय करना है या नहीं करना, बट माय पॉइंट इज कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 180-190 हम लोग देख सकते हैं। हो सकता है मैं पूरा यहां पर रॉन्ग भी हो जाऊं, लेट्स सी यहां पे मैं रॉन्ग होता हूं या राइट, ये देखना होगा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर होल्ड करते हो या आप प्लान कर रहे हो बाय करने की, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, तो आप पूछ सकते हो। आई होप जो मैंने समझाया कि क्या रीजन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के गिरने का, वो आपको समझ आ गया होगा। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये रीजन पता चल पाए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जाते जाते फिर से कहूंगा, हमारी वेबसाइट www.financialadda.co.in पर जरूर विजिट करें, वहां पर आपको मिलने वाला है अमेजिंग स्टफ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो जरूर विजिट करें www.financialadda.co.in। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।